कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, हमेशा खुश शाद और आबाद रहें। तो आज देखें, हम देख रहे हैं ये खूबसूरत सा स्पाइडर प्लांट। देखें कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं। ये जितने रनर्स देखता है, उस हर रनर से उसका एक नया पौधा बन जाता है। बहुत सारे रनर्स आते हैं, देखिए इसके रनर्स इस तरीके से आते हैं। ये देखें, ये लिली आई आ रही अंदर। ये देखें, इसके नीचे इसकी रूट्स होती हैं और इस तरह इसका रनर निकल के आता है। और भी दिखा दूँ, ये देखें, ये इसका न्यू रनर आ रहा है। ये बहुत से दो तीन कलर्स में आता है। ये देखें, ये प्लेन है और ये साथ में वेरिकेटेड है। और एक और आता है जिसके इसके अंदर लाइन होती है येलो कलर की, और बहुत खूबसूरत लगता है स्पाइडर प्लांट। ऐसे इसके रनर्स आते रहते हैं। ये देखें, ये सारे मेरे ना रनर से ही न्यू प्लांट बन जाते हैं। मैं ऐसे गमला रख देती हूँ इसके रनर के साथ नीचे। ये देखें, ये रनर की लाइन आ रही है और मैंने ये गमला रख दिया नीचे मिट्टी से भर के। उसके अंदर इसके रनर ने खुद ब खुद ग्रोथ शुरू कर दी। और ये प्लांट एक ये पीछे है, ये सारे मैंने रनर से बनाए हैं। ये देखें रनर इसका, देखें ऊपर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा प्लांट, ये सारे रनर से बने हैं ऑटोमेटिक। ये जिस गमले में इसका रनर गिरता है, वहाँ से मैं गमला नीचे लाजमी रख देती हूँ, वहाँ से इसका न्यू प्लांट शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको इसका रनर किस तरह गमले में रखा जाता है वो रखने का तरीका बताती हूँ। मैंने एक मिट्टी से भरा हुआ पॉट ले लिया है। ये देखिए, इसमें मैंने गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिक्स कर दिया, थोड़ी सी नीम खली भी डाल दी है ताकि फंगस ना आ जाए। ये मैंने इधर इसके, ये मदर प्लांट है, इसका रनर आ रहा है। ये देखें, ये इसका रनर आ रहा है। और देखें इसकी कितनी ऑटोमेटिक ना इसके रनर में रूट्स भी आ गई हैं। ये रनर आ रहा है, इसको जितने मर्जी आप प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को लगाना बहुत ईजी है। सिर्फ इसकी ये टहनी पकड़ी, ये मिट्टी का गमला ले लिया था जो मैंने, इसका ये रनर लिया मैंने पूरा। देखें पीछे से, एक नहीं होते, ये काफ़ी सारे बेबीज होते हैं इसके। ये मैंने इसका बेबी लिया और इसके ये रूट्स मैंने, कुछ नहीं करना हमने, ये कंपोस्ट मिक्स गार्डन सॉइल है इसके अंदर बस ये रख दी। और साथ में मैं इसका ये छोटा, ये वाला भी देखें कितना छोटा सा है, इसको भी मैं इसी तरह ये रख दिया। कोशिश करूँगी जितने भी रख सकती हूँ रख दूँ, फिर वहाँ से नया प्लांट बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, मैंने इसको डेली वाटरिंग करनी है। बहुत पानी नहीं देना, सिर्फ इसकी नमी को बरकरार रखना है। स्पाइडर प्लांट को सिर्फ नमी ही अच्छी लगती है। सायादार जगह हो जहाँ पे धूप ज़्यादा ना आ रही हो, शेड हो और नमी बन के रहे, ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ नमी बना के रखनी है। इसका ये रनर भी है, मैं अब इसको किसी और गमले में लगा दूँगी, एक और प्लांट बन जाएगा। मैंने सारे जितने भी प्लांट्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक रनर जिस गमले को टच करता है उस गमले में ऑटोमेटिक, ये देखें, ये नीचे, ये और देखिए, ये ऑटोमेटिक सारे रनर से ही ऑटोमेटिक बनते हैं। मैंने इसमें सिर्फ कोई एफर्ट नहीं की, मैंने सिर्फ एक ये वाला प्लांट लगाया था। अब इसका भी ये देखें रनर पीछे को जा रहा है, इसको भी किसी गमले के साथ टच कर दूँगी। ये पीछे ये देखें और भी नीचे अंदर तक गए हुए हैं। ये देखें, अभी मैं किसी इनको भी कोई गमला देती हूँ तो ये रनर ऑटोमेटिक उस गमले के अंदर अपने आप को। देखें मैंने इसके रनर से ये एक और प्लांट बनवाया। ये जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने मिट्टी के साथ रनर रख दिया था, मैंने इस गमले में भी ये रनर इसी तरह मिट्टी के साथ रख दिया और ये देखें खूबसूरत सा प्लांट बन गया। अब ये खुद कुछ देर बाद ये खुद एक मदर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रनर्स देना शुरू कर देगा। इसको मैंने अपने घर के एंट्रेंस डोर पे रखा है। ये देखें, ये हमारा एंट्रेंस डोर और यहाँ पे हमने ये प्लांट रख दिया है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और हमेशा खुश और शाद और आबाद रहिए। फिर मिलेंगे हम किसी एक और अच्छी सी वीडियो में और नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।